और वापस मस्त धूप निकल गई है, बढ़िया लग रहा है, चश्मा डाल लेते हैं। What's up guys, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों को एक बहुत ही सीरियस चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी ऑफ कैंपस इलीगल जॉब नहीं करो। एज अ स्टूडेंट ऑन F1 वीजा यू आर ओनली अलाउड टू वर्क ऑन कैंपस फॉर मैक्सिमम ऑफ 20 आवर्स। समर के टाइम में या फिर वेकेशन के टाइम में, जैसे अगर स्प्रिंग ब्रेक आया और 1 वीक का हॉलीडे है, उस टाइम पे वो 20 आवर्स 40 आवर्स हो जाते हैं। सो यू कैन वर्क लीगली ऑन कैंपस फॉर 40 आवर्स एंड मेक गुड मनी सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क ऑफ कैंपस। देर आर मल्टीपल रीजन वाई यू शुड नॉट बी वर्किंग ऑफ कैंपस। सबसे पहला रीजन ये है कि आप पहले ये सोचो कि आप अमेरिका में मास्टर्स करने के लिए आए हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, वो आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। और उस टाइम पे अगर आप ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, इलीगली काम करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम विच शुड बी स्पेंड स्टडिंग एंड लर्निंग द कोर्स दैट यू आर डूइंग विच विल इवेंचुअली मेक यू केपेबल टू गेट अ गुड हाई पेइंग जॉब। वो अगर आप नहीं करोगे तो आप लेवल आपका मीडियोकर रह जाएगा एंड देन जब आप इंटरव्यूज में बैठोगे आपको ऑब्वियसली जॉब मिलने में तकलीफ होगी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है सही से। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपना हमेशा ध्यान में रखो इज टू स्टडी। व्हेन यू विल ग्रेजुएट यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क एंड यू विल हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वर्किंग लाइक एवरीबडी डज एंड दैट इज अ टाइम व्हेन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड इफ यू स्टडी वेल देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकवर ऑल द मनी दैट यू हैव स्पेंट इन योर स्टडीज। सो सबसे बेसिक एडवाइस यही है कि आपका पढ़ाई प्राइमरी रीजन है और काम करना प्राइमरी रीजन नहीं है। अगर आपको ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं देन That is great because those jobs are such that you can always maintain a balance between work and study. जैसे मैं नॉर्थ ईस्टर्न में था तो मैं रेजिडेंशियल सिक्योरिटी ऑफिस में काम करता था। वहां पे बस यू जस्ट हैव टू सिट ऑन अ डेस्क एंड स्वाइप कार्ड्स। इट्स नॉट दैट हेक्टिक दैट कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है एंड आई एम गेटिंग फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड। आई कैन सिट ऑन दैट डेस्क एंड ऑल्सो स्टडी डू माई होमवर्क। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि वो जॉब लेकर के इट्स लाइक यू जस्ट इट्स अ सिटिंग जॉब व्हेन पीपल विल कम टू स्वाइप देयर कार्ड्स। लॉट ऑफ पीपल गॉट जॉब्स इन द लाइब्रेरी वेयर दे यू जस्ट हैव टू डू एन एंट्री। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट सिटिंग। समटाइम्स पीपल जस्ट वॉच अ मूवी और दे कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स। तो वो आपका बैलेंस बना रहता है, आपकी पढ़ाई इतना कुछ अफेक्ट नहीं हो रही है एंड यू मेक गुड मनी विच लेट्स यू सर्वाइव एंड लिव अ लिटिल बेटर लाइफ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी जॉब्स मिलेंगे कैंपस में जो बहुत हेक्टिक हो सकते हैं, पे उनका थोड़ा बेटर होगा, बट वहां पे यही होगा कि यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन वर्क एंड देन यू विल गेट फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड एंड दैट विल लीड टू यू गेटिंग बैड ग्रेड्स, राइट? इवेंचुअली पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे जॉब्स आपको नहीं करने हैं। तो ये तो हो गया स्टडी वाला रीजन। दूसरा इससे बड़ा भी रीजन जो है कि आप लीगल ट्रेवल में फंस सकते हो एज अ F1 स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑफ कैंपस, राइट? इट्स स्ट्रेट अवे इलीगल। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जैसे गैस स्टेशन ओनर्स या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स, दे एम्प्लॉय पीपल बिकॉज वॉट दे वॉन्ट टू डू इज कि दे वॉन्ट चीप लेबर, राइट? और आप स्टूडेंट हो, आप इलीगली काम करोगे तो आप तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता भी है यू कैन नॉट गो एंड फाइट अगेंस्ट देम लीगली, राइट? बिकॉज आपके पास वो राइट्स ही नहीं है। आप खुद इलीगल काम कर रहे हो तो आप कैसे किसी से फाइट कर सकते हो? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत लो पे करेंगे और आपसे बहुत सारा काम लेंगे, बेसिकली आपका फायदा उठाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो फॉर अ वेरी स्मॉल बेनिफिट ऑफ मनी एंड देन यू आर ब्रेकिंग द लॉ एज वेल। तो अगर आप फंसते हो या फिर अगर उस रेस्टोरेंट के ऊपर या फिर उस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर पुलिस आके अगर चेक करती है एंड यू आर फाउंड वर्किंग देयर देन योर वीजा स्टेटस इज इन क्वेश्चन, राइट? आप फंस सकते हो बुरी तरह, आपको डिपोर्ट तक भी किया जा सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं अगर कोई बच्चा रिपीट ऑफेंडर है, राइट? बार बार वो पकड़ा गया, दे विल पे मोस्ट लाइकली से कि तुम्हारा वीजा कैंसिल कर देंगे, दे विल आस्क यू टू गो बैक बिकॉज तुम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे कि ये सब इलीगल एक्टिविटी करने के लिए थे। योर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर एंड देन दैट इज अ रीजन यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो याद रखो कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आपके फ्रेंड्स आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे। आपका कॉलेज आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएगा बिकॉज दे विल जस्ट से नो, यू आर एन अडल्ट, यू डिसाइडेड टू डू दिस इलीगल एक्टिविटी, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट दे कैन डू इन इट, नथिंग। आप लीगल हेल्प ले सकते हो, लॉयर हायर कर सकते हो, बट अगेन यू आर अ स्टूडेंट, रिमेंबर, राइट? यू डोंट हैव दैट मच मनी टू स्पेंड ऑन लीगल एक्सपेंसेस और यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसो ही मत। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको हो सकती है वो ये है कि आप सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे होमलेस पॉपुलेशन बहुत है। न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस बड़े बड़े सिटीज जो हैं वहां पे एज पर द करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट आपने देखा होगा कि बहुत सारे होमलेस लोग हैं और
वाई आर दे होमलेस? दे आर होमलेस बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस. यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया एंड दे डिड नॉट हैव द मनी टू फंड देयर ट्रीटमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू सेल देयर हाउस, दे हैड टू सेल देयर प्रॉपर्टी एंड देन दे इवेंचुअली एंडेड अप ऑन द रोड बिकॉज इट वॉज दैट एक्सपेंसिव. सो बहुत सारे होमलेस जो हैं दे आर होमलेस बिकॉज दे हैव सम मेडिकल रीजंस, दे आर मेंटली नॉट स्टेबल एंड दे आर अनप्रिडिक्टेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू आर एट द बॉटम यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स बिकॉज इट लुक्स लाइक एन ईजी एस्केप एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर सिचुएशन बिकम्स इवन वर्स. सो लेट्स से व्हेन यू आर वर्किंग ऑफ कैंपस you have to leave the security of the campus of the college campus and go outside the college campus jahan pe aapke paas safety or security nahi hai. to wahan pe kya ho sakta hai agar aap grocery store mein late night kaam kar rahe ho ya fir aap liquor store mein late night kaam kar rahe ho to wahan pe bahut sare drug addicts aur bahut sare homeless log aayenge and it's open for everybody right so they can come and aapne abhi dekha hoga itne sare incidents hue hain in the past 1 to 2 months there have been so many student deaths all of them happened where they have happened in grocery stores or in some like convenience stores where they were working late and they were trying to help somebody who was homeless. So ye sab ki wajah se they ended up losing their life, which is the most precious asset that you can ever have, right? padhai badhai gayi sab side mein, but agar aapki jaan hi nahi hai to fir aap kya kar sakte. So ye sare problems aap face kar sakte ho agar aap decide karte ho ki agar aapko illegally kaam karna hai to mera to 100% advice rahega ki aap ye illegal activity nahi karo because it can have very insane consequences jiske liye aap jisko aap imagine bhi nahi kar sakte ho. itna sara paisa kharcha karke agar aap america mein padhne ke liye aa rahe ho then your focus should be on studies and making your life eventually better and not do these illegal activities that will give you a little bit of benefit in the beginning. आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा एंड यू कैन लिव योर लाइफ अ लिटिल मोर बेटर बट अगर आप ये रूल ब्रेक करके जियोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे और इट कैन हैव वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस लेटर इन लाइफ. सो प्लीज डोंट डू दिस, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व. इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स और इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज पुट देम इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.